मुंगेली जिले में ग्राम पंचायत बिजरा कछार में देश की आजादी 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। मूलभूत सुविधाओं के लिए बैगा आदिवासियों समेत ग्रामीण को दर दर भटकना पड़ रहा है। अंधेरे की वजह से लोगों को रोजमर्रा के काम और बच्चों को पढ़ाई कराने में दिक्कत होती है। आधुनिक युग की बात करें तो ग्रामीणों को मोबाइल रिचार्ज या दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने दूसरे गांव जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगी सोलर लाइट किसी काम की नहीं है। अब भीषण गर्मी से छोटे छोटे बच्चों का जीना दूभर हो जाता है। बारिश पर निर्भर रहने वाले किसानों की फसल बिजली के अभाव में कई बार बर्बाद हो जाती है। इस समय की विडंबना यह है कि आज के दौर में अस्पताल में महिलाओं का प्रसव अंधेरे में होता है। और बहुत समय से भैया लाइट की वजह से हम लोग दिया बाती चिमनी बाती रहते ना, कभी मोबाइल चार्जिंग करके सब खाना उना खाते ना। हाँ, बहुत परेशानी होते है। पढ़ाई लिखाई पर बहुत अंधकार में डूबे हैं मना। आज तक हम लोग कोई व्यवसाय है पढ़े लिखे नहीं, नेटवर्क का सब परेशानी, नेटवर्क भी परेशानी है। अब खेती अब एक ही भगवान है ऊपर वाला हमारा। अब लाइट रहेगा तब ना यहाँ सब होगा, ट्यूबवेल होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं है। अब एक ही फसल लेते हैं ऊपर वाले, एक ही भगवान है। अच्छा बारिश होगा तो अच्छा होता है धान। गर्मी बहुत गर्मी भैया, कभी कभी छोटा मोटा इंदिरा आवास बन गया है उसमें ब्लेंडर करा रहे हैं, उसमें तो 8-9 बजे तो घुस नहीं पाते हैं, बाहर में रहते हैं। हाँ बच्चे में तो अरे मत पूछो, एकदम पसीने में हो जाता है एकदम। बिजली नहीं होने से यहाँ जितने भी मतलब केसेस हैं उनको, डिलीवरी केसेस हैं उनको पीएससी और मतलब लोरमी रेफर करना पड़ता है। बिजली पानी दोनों मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जिससे रहने में भी दिक्कत हो रही है और बहुत सारी समस्या है बिजली नहीं और पानी नहीं होने से। मैं अक्टूबर 2020 से जी नहीं है जी नहीं। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इसमें एनहांसमेंट का काम चल रहा है और 31 जुलाई तक एनहांसमेंट का काम पूरा हो जाएगा, तो इससे विद्युत की समस्या हल हो जाएगी। कुड़िया ले तो इधर पत्थर ही मांगे है, अब यह नहीं आ सका और नल उल बिगड़ थे तो मिस्त्री नहीं आवे है ना। अब मिस्त्री आही चे तो भाई अब लड़का मन सब चीज के नुकसान हुआ थे।